के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अपने आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में, मिलवाएंगे आपको सफल महिला किसान उत्तराबाई से और इसके साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, आलू के बाद टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। हमारे देश में इसकी खेती साल भर की जा सकती है। देश के कई हिस्सों में टमाटर को उगाया जाता है और अगर आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन तो मिलता ही है, बाजार में इसका मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं, कई तरह के विटामिन से भरपूर है टमाटर और कितनी ही ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनको रोकने में भी टमाटर का सेवन करने से मददगार साबित होती हैं। तो आइए आज आपको टमाटर की खेती के संबंध में दे कुछ खास जानकारियां। टमाटर नाजुक सब्जी है, ज्यादा सर्दी, गर्मी या जल जमाव को ये सहन नहीं कर पाती। इसकी खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, फिर भी बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6-7 होना चाहिए। सामान्य किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 400-450 ग्राम, जबकि संकर किस्मों के लिए 175-200 ग्राम बीजों की जरूरत होगी। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, काशी अमृत और काशी अनुपम कुछ उन्नत सामान्य किस्में हैं। संकर किस्मों में स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, वैभव, स्वर्ण संपदा, काशी हाइब्रिड 1 और काशी हाइब्रिड 2 बेहतर है। नर्सरी में बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर ले और बुआई के बाद बीज के ऊपर कंपोस्ट की पतली परत बिछा दे। 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब इसकी खेत में रुपाई की जाएगी। रुपाई से पहले खेत की 2-3 बार अच्छी तरह जुताई करें और उसमें 7-10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद मिला दें। अगर आप सामान्य किस्म बो रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। सीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। वहीं असीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सामान्य किस्मों में प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल गोबर की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश की जरूरत होगी। संकर किस्मों के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद, 200 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटाश चाहिए। रुपाई के समय 1/3 नाइट्रोजन ही देना है, बाकी 1/3 25 दिन बाद और बाकी 1/3 40-45 दिन बाद दे दें। रुपाई के 20-25 दिन बाद पौधों को बांस का सहारा दें, इससे पौधे गिरेंगे नहीं और फसल भी बेहतर होगी। गर्मियों में हर 7 दिन बाद, जबकि सर्दियों में 10 दिन बाद पानी दें। टमाटर
टमाटर की पौधशाला में आद्र गलन बीमारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें अंकुरित बीज या तो जमीन की सतह से बाहर निकलने से पहले गल जाते हैं या अंकुरण के 15 से 20 दिनों के भीतर। बचाव के लिए पौधशाला में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वहीं जीवाणु मूर्छा रोग फूल और फल पर हमला करता है और उन्हें मुरझाकर सुखा देता है। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएंगे और जल निकासी का इंतजाम रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अगेती झुलसा फफूंदी जनित बीमारी है। इसमें गोल छल्ले नुमा धब्बे बनते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं। इससे पत्ता सूख जाता है। पछेती झुलसा में पत्तियां और तने पर धब्बे बनते हैं। बूंदा बांदी और कोहरा होने पर ये तेजी से फैलता है और पूरा पौधा काला होकर झुलस जाता है। बीजोपचार करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। फल छेदक कीट के लिए रुपाई के दौरान ही फ्यूराडॉन का इस्तेमाल करें। जबकि प्रकोप होने परर नीम से बने कीटनाशी का छिड़काव करें। इसके अलावा रुपाई से 10 दिन पहले खेत के चारों तरफ गेंदे के पौधे लगाएं या टमाटर की 8 से 10 कतारों के बीच एक कतार गेंदे के फूल की लगा दें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान, कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज की सफल महिला किसान उत्तराबाई से अपने सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने हमारी देश की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है, इसलिए अब मिट्टी की सेहत में सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान उत्तराबाई से, जो कि कई वर्षों से कर रही हैं जैविक खेती और किस तरह से लाभ हासिल कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुँह ज़ुबानी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तब कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गाँव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है तो कभी गायें बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गयी, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी से जैविक कृषि कर रही है। उत्तराबाई के खेतों में लहलहाती फसलों और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उनके गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली है और धीरे धीरे जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराबाई ने जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण से जैविक कृषिकरण शुरू किया, वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुआ और धीरे धीरे गाँव के बाकी किसान भी उनसे प्रेरित होकर जैविक पाठशाला में जाने लगे हैं। उत्तराबाई की मेहनत और लगन साफ तौर पर उनके खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों में देखकर प्रतीत होती है और यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है। जैविक कृषि में उत्तराबाई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर गांव के अन्य किसान भी जैविक पद्धति से खेती कर लाभान्वित होने लगे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए
भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपके हित के लिए हमारी वर्तमान सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के लाभ कुछ इस तरह से हैं कि अगर मौसम की मार से आपकी फसल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है, किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है, तो उसकी भरपाई आसानी से की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और क्या कुछ लाभ हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आई कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वेद और पुराणों का काफ़ी बेहतर असर पड़ता है, इसलिए अथर्व वेद में ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। लेकिन आज के समय में धरती की बिगड़ती सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई विकल्प उभर कर सामने आने लगे हैं और उनमें से एक है प्राकृतिक खेती। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं, उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हों, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसलें फलदार बहुवर्षीय पौधे होंगे, कुछ एकवर्षीय होंगे, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज होंगे, तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो
इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandirike@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।